बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है जी वलीमा, उसी दोस्त का वलीमा जिस दोस्त के हम लोग मेहंदी पे भी गए थे और माइयों पे भी गए थे। तो बाकी जिसने वो वीडियोस नहीं देखी जाकर जल्दी वो वीडियोस देखें। आज है जी वलीमा, वलीमे पे जाने के लिए हम लोग जी फुल तैयार है। भैया भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। मैंने पहनी है जी व्हाइट शर्ट और नीचे से ब्लैक पैंट, तो मैं फुल तैयार हूँ। बाकी सारे भी हमारे दोस्त वगैरह जिन्होंने जाना ना सारे तैयार है। बाकी भी चलते हैं, सारे बाहर खड़े हैं, चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों किस तरह के तैयार हुए हैं। आज वलीमा ना, तो इसीलिए सबने पैंट शर्ट पहनी हुई है। अभी जी हमें यहाँ पर हमारा कोई भी दोस्त नहीं मिला और अभी हम जा रहे हैं मैरिज हॉल में। डायरेक्ट मैरिज हॉल में जाके मिलेंगे सबको, क्योंकि मैं बाहर आया तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मैरिज हॉल डायरेक्ट। मैरिज हॉल में तो पहुंच गए हम लोग, अभी चलते हैं अंदर। दूल्हा साहब जी यहाँ पर सामने, आज के दूल्हा साहब की ड्रेसिंग ये चेक करें। दूल्हा साहब जी यहाँ पर फोटोशूट करवा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं जी अंदर, क्योंकि सारे अंदर चले गए हैं और बाहर ना गर्मी बहुत ज्यादा है। तो दूल्हा साहब वहाँ पर फोटोशूट वगैरह करवा के आ जाएंगे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। मैं जी अभी घर आया हूँ, आप लोग भी सोच रहे हैं मैं घर क्यों आया। शर्ट भी आप लोगों को चेंज लग रही होगी, मैंने की यारी शर्ट चेंज। वो शर्ट ना थोड़ी सी मुझे बड़ी थी और इतनी ज़्यादा अजीब लग रही थी ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो वहाँ पर मुझे ना बाइक चाहिए था घर आने के लिए, तो बाइक मुझे नहीं मिल रहा था। सारी वहाँ उधर गाड़ियों पे आई हुई थी, तो मुझे मुश्किलों से बाइक मिला, ये एक ही बाइक मिला। तो मेरे साथ अमाद आया, अमाद वाले भी वहीं पर हैं सारे। चलते हैं, बाकी जाके आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों वगैरह ने क्या सूट वगैरह पहने हुए हैं। बाकी अमाद की ड्रेसिंग जो सही है ना, वो आप लोगों को वहीं पर जाकर दिखाएंगे हॉल में, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग नहीं है। तो हॉल में सही लाइटिंग होंगी ना, वहाँ जाके दिखाएंगे। हॉल जी हम लोग वापस पहुँच गए, अब चलते हैं अंदर। सारे जी हमारे यहाँ दोस्त यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। अमाद इस तरह का लग रहा है कुछ, देख सकते हैं आप लोग। शाह जी माशाल्लाह, ओह माय गॉड, शाह जी हैवी चाचे नंबर वन, ओह माय गॉड हैवी यार, हैवी भैया इस तरह। तैयब अली भाई, ओह माय गॉड चाचे नंबर टू, माशाल्लाह चेक करें, आए हैवी हैवी चाचा नंबर टू आपका बना लिया। चाचा नंबर आप वन हो, वो टू है, वो लेट आया इसलिए। हाँ जी इसलिए यार, शाह जी घड़ी गिफ्ट कर दो यार भाई को। अब्बा मुझे दुनिया से गिफ्ट कर देगा। ये अब्बा जी की, ये मेरी अपनी जाती है। ओह माय गॉड ओह माय गॉड, अब भाई घड़ी को छोड़, घड़ी ये प्यारी है, ये अच्छी लग रही है, लोकल है, ये लोकल घड़ी है, लोकल है, वही ना। हम लोग फोटोज वगैरह बाहर शूट कर रहे थे, तो हमें अंदर से लामा आया कि खाना खुल गया, आप लोग सारे बाहर हो। तो हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं और चाचा से काम है। ये देखो इन लोगों लंगर खाना भी चुकना लंगर शुरू कर दिया है, देखें और प्लेटें वगैरह इन्होंने सजाई हुई हैं और शुरू कर दिया है लोगों ने। यहाँ पर है जी खीर, उसके बाद ये है जी चिकन, उसके बाद एक और खीर आ गई है। यहाँ पर नान है, वहाँ पर है जी उसका नाम के चाइनीज चावल। खाओ खाओ, जगह नहीं मिल रही, जगह खत्म हो गया। अभी हम लोग यहीं पर खड़े होकर खाने लगे हैं, तो बाकी सारे यहीं पर खड़े हैं क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। ये भी ठीक है ना, खड़े खाना, शादियों वाले काम ना करो, खाना खाने दो। आपको रोका मैं, खाओ यार, अच्छा नहीं लगता आपका व्लॉग। नहीं नहीं, व्लॉग आपका बड़ा बीएपी मर रहा है, आपको अल्लाह ताला कामयाबी दे यार। आमीन आमीन। मैं समझ रहा था ये खीर है, ये खीर नहीं है, रायता। खाना जी हम लोगों ने सारा खा लिया माशाल्लाह, कब से मजा खाना था। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, खाना तो खा लिया हम लोगों ने, अब जो गिफ्ट है ना फिजान लोगों ने देने हैं। ये दो गिफ्ट हैं, ये तो फूल के बुके हैं ना, और इसके अंदर क्या है पता है? लैंप है मेरे ख्याल में, जो भी है वो अब्दुल्ला भाई खोलेंगे तो पता लग जाएगा। ये दोनों गिफ्ट जो है ना वो अब्दुल्ला भाई के लिए हैं। ये गिफ्ट देने अब्दुल्ला भाई को, अब्दुल्ला भाई को ये गिफ्ट देंगे। हम लोगों ने जाना है चाचड़ वालों की मार्की में, चाचड़ जो है ना दोनों भाई इन लोगों की ना मार्की है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी मार्की में, वहाँ पर जाकर मार्की विजिट करके आते हैं। काफी ज्यादा माशाल्लाह प्यारी मार्की है। इस गाड़ी में जा रहे हैं हम लोग, चलते हैं अभी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड चाचड़, चाचड़ अभी आप लोग मार्की में जा रहे हैं। गाड़ी में हम लोग बैठ गए हैं, गाड़ी में जी एक दो और तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, नौ बंदे बैठे हैं। सेवन सीटर गाड़ी है, यहाँ इसमें फंस फंस आकर नौ बंदे बैठे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं चाचड़ों की मार्केट में। गाड़ी से जी हम लोग बाहर आ गए चाचड़ों की मार्केट में, हम लोग पहुँच गए। आज की इवेंट वगैरह नहीं है, सिर्फ इस तरह ही विजिट वगैरह करने के लिए आए हैं। इतने बंदे हम लोग आए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ओए होए होए, एक मैं भी हूँ इनमें शामिल। और माशाल्लाह मार्केट इन लोगों की अच्छी है यार, इनकी एंट्रेंस चेक करें ऊपर तक, ये देखें माशाल्लाह एंट्रेंस है। उसके बाद ये तो वैसे डिजाइन के लिए है ना, मेन गेट तो वो है एंट्रेंस के लिए। आ गए हैं जी हम लोग अंदर, अभी लाइट्स चलेंगी। वहाँ से जैसे अंदर इंटर होते हैं ना, तो देख सकते हैं माशाल्लाह फुल वीआईपी माहौल बना हुआ है ऊपर, ये देखें।
ये देखें लाइट्स वगैरह फुल लगी हुई हैं। और मेन एंट्रेंस से अंदर आते हुए ये पहला हॉल है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह अंदर से किस तरह का है। सेम है इस तरह का, एक ये है एक वो साथ ही है इसके, बिल्कुल सेम है बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप लोग किस तरह का लग रहा है, आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना। एक हॉल वो है, ये गैलरी बनी हुई है सीधी आगे तक, इसने डेकोरेशन वगैरह पड़ी हुई है, लाइट्स वगैरह भी ज़्यादा इसलिए चला रही क्योंकि ये वापडा पे है ना सारा, तो अगर इतना लोड जगदम पड़ेगा ना तो ये ना मतलब संभाल नहीं सकेगा, इसलिए चला रहा लाइट्स वगैरह। ये देख सकते हैं एक गैलरी ये है, बाकी एक हॉल ये है, एक हॉल ये, एक हॉल वो, और एक ये गैलरी सामने। गर्मी बड़ी है, सारे जल्दी बाहर भाग रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है तो खड़े होने का दिल नहीं कर रहा, गाड़ी में जल्दी चल के बैठते हैं ऐसे चलेगा ना सुकून मिलेगा। यहाँ पर ना बंद है, हब्बस हो रही है अंदर का भी साहब, जल्दी चलते हैं बाहर, बाहर भी अच्छा खासा मौसम होगा। ओए बाहर आए हैं ना, हवा मिली है, सुकून हवा चली, थोड़ा सुकून मिला। अब गाड़ी में बैठते हैं चलते हैं वापस। हाय हाय, शाम को जी हम लोग लीमे से वापस आ गए थे, बाकी अभी जी सुबह का टाइम हो रहा है और आज से जी हमारे स्कूल खुल गए हैं, फाइनली फाइनली जी स्कूल खुल गया हमारे, तकरीबन दो से ढाई महीने, ढाई तीन महीने बाद स्कूल खुले हैं। मैं तो तकरीबन चार महीने बाद स्कूल गया हूँ, कैसे भला, क्योंकि हमारे और थे जी पहले पेपर, एक महीना पेपर होते रहे हैं, उसके बाद ढाई महीने छुट्टियां रही हैं और आधा महीना मैं वैसे ही स्कूल नहीं गया, तो कितनी छुट्टियां हो गई टोटल, चार महीने में स्कूल नहीं गया, चार महीने बाद आज स्कूल गया हूँ। काफी ज्यादा बच्चे आए थे, मतलब काफी ज्यादा शुगर मेला लगा, काफी ज्यादा क्लास के दोस्त आए हुए थे और काफी ज्यादा लड़कों से मिलकर शुगर मेला वगैरह लगाया। पूरे के पूरे चार महीने बाद मैं स्कूल गया हूँ, मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ कि मैं चार महीने बाद स्कूल गया हूँ। आज भी जाने का दिल नहीं कर रहा था, बस घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिया कि जाना है जाना है, पहला दिन है तो कोई बात नहीं जाना है, पर गए हैं, पढ़ाई वगैरह कोई नहीं हुई। इंशाल्लाह एक दो दिन में मेरा नाइन्थ का रिजल्ट भी आ जाना है, तो जैसे नाइन्थ का रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे मैं पास हो गया हूँ या फेल हो गया हूँ। उम्मीद तो मुझे पूरी है कि मेरे अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे और मैं पास हो जाऊंगा सारे सब्जेक्टों में, किसी भी चीज में सप्ली हो नहीं लगेगी या फेल नहीं होगा, तो देखते हैं क्या बनता है। बाकी अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर पहले स्कूल से वापस आए हैं ना, और मैं आप लोगों को बताता हूँ बाहर कितनी ज्यादा गर्मी है यार। अगस्त का एंड होने वाला है, अगस्त का एंड होने वाला है और अब अभी भी देखें कितनी ज्यादा गर्मी है, सितंबर में भी गर्मी होगी, फिर इधर से अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। मैं आप लोगों को बाहर जाकर दिखाता हूँ कितनी ज्यादा गर्मी है। सूरज जी यहाँ पर छुपा पड़े, जो हमारा दरख्त है ना इसके पीछे सूरज छुपा पड़ा है, इसलिए हमारे सेहे में ना इतनी गर्मी नहीं आ रही, बाकी जितना धूप नहीं आ रही, डायरेक्ट मेरे फेस पे पड़ रही है थोड़ी थोड़ी धूप। जब ये दरख्त हवा से ऊपर चल जाता है ना तब धूप नहीं आती, जब ये अपने नॉर्मल पोजिशन पे आता है ना तब धूप आने लग पड़ती है थोड़ी थोड़ी। बाकी हमारी कह रही की ये सिचुएशन है, कोई फल फूल नहीं लगा हुआ, मतलब लगा हुआ खाने के लिए फिलहाल जो खा सकें, अमरूद लगे हुए थे अमरूद उन्होंने तोड़ के खा लिया, इतने इतने मेरे अमरूद हो गए थे मीठे मीठे और बड़े बड़े। बाकी ये शहतूत का लगा हुआ है, इंशाल्लाह जब सर्दियां आएंगे ना सर्दियों में शहतूत मतलब क्या फल उठाएगा हमारा, ये शहतूत लगा हुआ है इंशाल्लाह सर्दियों में देगा फल, सर्दियों में हम लोग इसका घर का ही फल खाएंगे शहतूत का। चेक करें, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि बाइक का मैंने काम करवा लिया, मैं आप लोगों को दोबारा दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब काम करवा लिया ना काफी ज्यादा ना ये मतलब साफ सुथरा और अच्छा लग रहा है। इसकी मैंने सर्विस वगैरह कर दी थी, काम वगैरह मैं करवाया था, इसका काम क्या करवाया था, ये टैंकी पर डेंट नहीं पड़े हुए थे इस जगह पे, मैंने मुक्का मार के डेंट डाल दिया था, तो मैंने ये पेपर लगा के छुपा लिया था, उसके बाद इस तरह भी टापा लगवा लिया है, उस तरह भी टापा लगवा लिया है, बाइक लाइट भी लगवा ली है, दुम चुकी भी लगवा ली है, और अब बाइक ना मेरा अच्छा लग रहा है। बाकी अब स्कूल खुल गए हैं, वही नॉर्मल रूटीन वापस आ गई है, पर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियोस देखना नहीं भूलनी, वीडियोस देखते रहिएगा, सुबह 10 बजे डेली वीडियो आ जाती है, अब आप लोगों को डेली डेली वीडियोस मिल रही होंगी ना, है ना डेली डेली वीडियोस मिल रही है ना, क्योंकि मैं डेली डेली वीडियोस बनाता हूँ, सुबह 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है मेरी। बाकी आप लोग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लोग मिलते रहेंगे, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों को फुल इंटरेस्टिंग लोग मिला करेंगे, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब भी वीडियो अपलोड किया करो ना आप लोगों ने देखा करनी है, सबसे पहले जो बंदा वीडियो देख रहा है इसको कह रहा हूँ कमेंट भी कर दिया करना है, और चैनल को सब्सक्राइब यार आप लोग करते नहीं हो, जल्द जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो। इसी के साथ मुझे जगह जल्द अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।